जेजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कमर कस ली है। ये तस्वीरें भिवानी जिले की है, जहां दुष्यंत देर शाम तक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे और लगातार लोगों के बीच जाकर 2024 की किलेबंदी करते नजर आए। मगर इन सब के बीच डिप्टी सीएम को एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें हर जगह राजस्थान में जजपा के खराब प्रदर्शन पर भी सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन दुष्यंत चौटाला की पहचान शातिर नेताओं में होती है और अपनी कमियों को छुपाते हुए विरोधियों को कैसे जवाब देना है यह उन्हें बखूबी आता है। यकीन नहीं आता तो भिवानी में दिया उनका ये बयान सुन लीजिए, जहां वो राजस्थान में अपनी हार से ज्यादा कांग्रेस की हार पर तंज कसते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दुष्यंत ने तो हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी इस हार में भागीदारी गिना दी। अंत में अब आप हमारे संवाददाता जगबीर के सवालों पर दुष्यंत का जवाब सुनिए, जिससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम दुष्यंत चौटाला को एक शातिर नेता की संज्ञा क्यों दे रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और प्रदेश भर में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार सदस्यता अभियान को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। मैं आज सुबह नलवा भी था, जहाँ पर हर गांव के अंदर सैकड़ों महिला सखी जो बूथ पर जोड़ी है नैना चौटाला जी, बूथ योद्धा और बूथ कार्यकर्ता, उनसे मुलाकात भी हुई और संगठन के विस्तार के ऊपर विभिन्न विषयों पर चर्चा। और मैं मानता हूं कि सदस्यता अभियान से नए लोग पार्टी में जुड़े। तुम्हें सब क्या माना था कि 2024 के लिए तैयार है? देखिए, पूरी तौर पर तैयार है, हम अपना काम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से करें। चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकता है, मुझे तो बहुत बड़ी है। हम तो पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, यहाँ तक कि 4-4 डिप्टी सीएम तक उन्होंने बोला। चलो, कांग्रेस ने तो तैयारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करी थी, जनता ने आईना भी दिखा दिया और उनको भविष्य भी दिखा दिया। और जिस प्रकार से हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला जी तीनों तीन अलग अलग स्टेटों में गए और तीनों को हरा के आए, मुझे लगता है कांग्रेस को पहले रीथिंक करना चाहिए आगे बढ़ने। तो आम आदमी पार्टी भी काफी जो स्थिति हो रही है, तो उसको कैसे? राजस्थान में 88 सीटों पे लड़ी थी, एक पे भी जमानत नहीं बचा पाई। कहा जा रहा कि जो कांग्रेस है उसने दूसरे जो सहयोगी उनको साथ लेकर नहीं चला, इसलिए तो चलो वो उनका इंडिया का फैसला होगा, क्या करेंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन ये तो बताए वो 300 करोड़ रुपए जो सांसद से मिला है उसका जवाब क्या दे।